हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 स्मार्टफोनों के बारे में, जो कि आपको 20,000 के प्राइस पॉइंट पर देखने को मिल जाएंगे, जिनके अंदर आपको किसी फीचर को लेकर कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। फ़ोन के अंदर आपको काफ़ी अच्छी डिज़ाइन देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छा तगड़ा पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाएगा, साथ ही में आपको वॉइस की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी। डिस्प्ले पैनल भी आपको फ़ोन के अंदर एकदम बेटर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पर अगर आप एक न्यू फ़ोन बाय करने की सोच रहे हो तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरी देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको 20,000 के प्राइस पॉइंट पर कौन सा फ़ोन परचेज करना चाहिए, आपके लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट रहने वाला है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और बात कर लेते हैं फर्स्ट फ़ोन के बारे में, जो कि रहने वाला मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला H40 न्यू। दोस्तों, इस फ़ोन के अंदर आपको काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। फ़ोन के अंदर आपको 6.55 इंचेस का POLED कर्व डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा, जो कि 1 मिलियन कलर के साथ आता है। साथ ही में आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट, HD+ की सपोर्ट, 1300 nits की पीक ब्राइटनेस, 90.1% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। डिस्प्ले के अंदर कोने गोला ग्लास 3 का प्रोडक्शन दिया गया है। बात कर लेते हैं चिपसेट के बारे में। फ़ोन के अंदर आपको ऑक्टाकोर का मीडियाटेक डायमेंसिटी 7030 का हाईली पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 6 नैनोमीटर के साथ आता है। एंड्रॉइड वर्जन 13 पर बेस्ड है। बात कर लेते हैं वेरिएंट के बारे में। फ़ोन के अंदर आपको 128GB प्लस 8GB रैम का बेस वेरिएंट दिया गया है। मेन कैमरा आपको डुअल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा। रियर कैमरा 50MP का विद OIS के साथ, 13MP का अल्ट्रा वाइड LED फ्लैश देखने को मिलेगी मेन कैमरे के अंदर। मेन कैमरे से आप 4K वाइड 30MP वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी कैमरा आपको सिंगल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा, 32MP का। सेल्फी कैमरे से भी आप 4K वाइड 30MP वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। 3.5 का जैक फ़ोन के अंदर नहीं दिया गया है। USB की बात करें तो आपको टाइप सी देखने को मिलेगी 2.0 विद OTC कनेक्ट। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो कि सपोर्ट करेगी 68W फास्ट चार्जिंग को। 15 मिनट में आप इस फोन को 50% ईजी चार्ज कर पाओगे। बात कर लेते हैं फ़ोन के एंथ स्कोर के बारे में। फ़ोन के अंदर आपको 5 लाख प्लस अराउंड एंथ स्कोर देखने को मिल जाएगा। अब फाइनली बात कर लेते हैं फ़ोन के बिल्ड क्वालिटी के बारे में। फ़ोन के अंदर आपको बैक फ्रेम दोनों प्लास्टिक के देखने को मिलेंगे। डिस्प्ले के अंदर गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोडक्शन दिया गया है। 170 ग्राम का वेट है, 7.9mm की थिकनेस है। तो दोस्तों, इस फ़ोन को आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट के सेकेंड स्मार्टफोन के बारे में, जो कि रहने वाला वन प्लस की तरफ से, वन प्लस नॉट C3 Lite 5G। दोस्तों, इस फ़ोन के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छी फीचर देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में। फ़ोन के अंदर आपको 6.72 इंच का IPS LCD डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा। साथ ही में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट, 680 nits की पीक ब्राइटनेस, 87.1% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। डिस्प्ले के अंदर कोने गोले ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। बात कर लेते हैं चिपसेट के बारे में। फ़ोन के अंदर आपको ऑक्टाकोर का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 6 नैनोमीटर के साथ आता है। एंड्रॉइड वर्जन 13 पर बेस्ड है। ऑक्सीजन OS 13.1 का एक्सपेंड देखने को मिलेगा। साथ ही में आपको 128GB प्लस 8GB रैम का बेस वेरिएंट दिया गया है फ़ोन के अंदर। मेन कैमरा आपको ट्रिपल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा। रियर कैमरा 108MP का, 2MP का मैक्रो, 2MP का डेप्थ, LED फ्लैश देखने को मिलेगी मेन कैमरे के अंदर। मेन कैमरे से आप 1080p वाइड 30MP वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी कैमरा आपको सिंगल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा 16MP का। 3.5mm का जैक फ़ोन के अंदर दिया गया है। USB की बात करें तो आपको टाइप सी देखने को मिलेगी 2.0 विद OTC कनेक्ट। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो कि सपोर्ट करेगी 67W फास्ट चार्जिंग को। 30 मिनट में आप इस फोन को 80% ईजी चार्ज कर पाओगे। बात कर लेते हैं फ़ोन के एंटूटू स्कोर के बारे में। फ़ोन के अंदर आपको 4 लाख प्लस अराउंड एंटूटू स्कोर देखने को मिल जाएगा। अब फाइनली बात कर लेते हैं फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। फ़ोन के अंदर आपको बैक फ्रेम दोनों प्लास्टिक के देखने को मिलेंगे। ग्लास की प्रोडक्शन डिस्प्ले के अंदर है। 195 ग्राम का वेट है, 8.3mm की थिकनेस है। तो दोस्तों, इस फ़ोन को भी आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट के थर्ड स्मार्टफोन के बारे में, जो कि रहने वाला रियलमी की तरफ से, Realme 10 Pro 5G। दोस्तों, इस फ़ोन के अंदर आपको काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। फ़ोन के अंदर आपको 6.72 इंच का IPS LCD डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा। 120Hz का रिफ्रेश रेट, 680 nits की पीक ब्राइटनेस, 89.8% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। बात कर लेते हैं चिपसेट के बारे में। फ़ोन के अंदर आपको ऑक्टाकोर का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 6 नैनोमीटर के साथ आता है। एंड्रॉइड वर्जन 13 पर बेस्ड है। Realme UI 4.0 का एक्सपेरियंस देखने को मिलेगा। साथ ही में आपको 128GB प्लस 6GB रैम का बेस वेरिएंट दिया गया है फ़ोन के अंदर। मेन कैमरा आपको डुअल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा। रियर कैमरा 108MP का,
2 मेगापिक्सल का डेप्थ एलईडी फ्लैश देखने को मिलेगी मैन कैमरे के अंदर। मैन कैमरे से आप 1080p वाइड हाइट से मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी कैमरा आपको सिंगल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल का। 3.5mm का जैक फोन के अंदर दिया गया है। USB की बात करें तो आपको टाइप सी देखने को मिलेगी 2.0। फोन के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो कि सपोर्ट करेगी 33W फास्ट चार्जिंग को। 29 मिनट में आप इस फोन को 50% ईजी चार्ज कर पाओगे। बात कर लेते हैं फोन के एंथ स्कोर के बारे में। फोन के अंदर आपको 4 लाख प्लस अराउंड एंथ स्कोर देखने को मिल जाएगा। अब फाइनली बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। फोन के अंदर आपको बैक कैमरा दोनों प्लास्टिक के देखने को मिलेंगे। ग्लास की प्रोडक्शन डिस्प्ले के अंदर है। 190g का वेट है। 8.1mm की थिकनेस है। तो दोस्तों इस फोन को भी आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और इन फोन में जो ही फोन आपको ज़्यादा बेस्ट लगा उस फोन को अपनी नीड एंड प्रोडक्ट के हिसाब से कंसीडर कर सकते हो। वीडियो आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा हमारा भी।